मेरा नाम अंकुश रैना है, मैं चंडीगढ़ से चंडीगढ़ में रहता हूँ। और पंडित जी को मैं पिछले 5 साल से जानता हूँ, और जो मेरा एक्चुअल मीडिएटर था इसको पंडित जी का साथ मिलाने का, वो थे मेरे फ्रेंड थे जिनके माध्यम से मैं इनको मिला। तो पंडित जी का मेरे साथ एक्सपीरियंस ये रहा है कि मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मेरी हेल्प की है, कि कुछ लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि इंसान को पता ही नहीं होता कि वो करेगा। उस टाइम पे एक व्यक्ति को नीड होती है कि कोई उनकी हेल्प कर सके, जो कि पंडित जी ने मेरी की। और आपको मेरे पास आने से क्या प्रभाव मिला आपके लाइफ? पंडित जी, स्टार्टिंग में जब मैं आपके अपने फ्रेंड के साथ आया था, तो मैंने देखा था कि आप क्या क्या गाइड कर रहे थे और क्या क्या था। उसने मुझे कहा कि एक्चुअली हर बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, अप एंड डाउन तो लाइफ में चलते हैं। बिल्कुल हर बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो तो ये तो हो नहीं सकता कि किसी की लाइफ बिल्कुल स्मूथ चली जाए, ऐसा होता नहीं है। मेरी भी लाइफ में ऐसे अप एंड डाउन तो चलो हर बंदे के लाइफ में आते हैं, बट हाँ कुछ टाइम ऐसा हुआ था कि मेरी लाइफ में भी अप एंड डाउन होने शुरू हो गए थे, जिसमें मुझे किसी की गाइडेंस की जरूरत थी, जो कि गाइडेंस जो दी प्रोवाइड की आपने। और मुझे बेनिफिट ये हुआ कि जो चीज आने वाली है तो एटलीस्ट मैं उसको ओवरकम कर सकूं, बिल्कुल ठीक, कि जो बिल्कुल चीज एक होता है कि बहुत ज्यादा चली है तो उसको अगर रेमेडी से हम अगर उसको थोड़ा उसका प्रभाव कम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, जो कि हेल्प मुझे आपने करी। और मेरी आपको बताई बातें कितनी सच साबित हुई? तो पंडित जी, सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो कि आजकल रेमेडीज में बताया जाता है ना कि आप ये करो या कोई पाठ करो, 10 दिन का पाठ करो, आपकी सबसे ज्यादा अच्छी बात ये निकली कि जो रेमेडी बताई जाती है वो तो घरेलू होती है, और दूसरा क्या है कि उसका इफेक्ट 100% चला जाता है। अब हम किसी कष्ट को दूर करने के लिए अगर कोई चीज कर रहे हैं और घरेलू एक तरीका है, तो सबसे बेस्ट ये माना जाता है कि हम उसको फॉलो करें। और जो कि मैंने अपनी लाइफ में अगर फॉलो किया तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। क्यों? जैसे कि अगर किसी का मूड वीक वगैरह वीक है, तो अगर घरेलू रेमेडी करने पे उसका अगर मूड का इफेक्ट कम होता हाँ, है, उसका प्रभाव कम तो हो जाए। स्टार्टिंग में मुझे भी कॉन्फिडेंस थोड़ा लेवल कम होने का थोड़ा था कि मेरे कॉन्फिडेंस लेवल, और एक मुझे गुस्सा बहुत आया जाता है बिल्कुल जब बिल्कुल से मैंने वो धागा पहना है और कड़ा धारण किया है। उसके बाद मुझे लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट बिल्कुल बिल्कुल उसका प्रभाव आपको उसका मिला, हाँ उसका उसका प्रभाव मुझे प्रभाव मिला। मिला आपको। और मेरी बातें कितने सही साबित हुई है? देखो पंडित जी, जहां तक मैं आपके साथ रहा हूं, मुझे लगता है कि आप एक इंसान जो होता है, जो फ्यूचर में होने वाले जो हमारे साथ होना है, घटित होना बिल्कुल है, बिल्कुल उसका पहले से अगर पता चल जाए ना तो बहुत अच्छा रहता है। और काफी मेरी लाइफ में ऐसे पड़ाव आए भी हैं जिसने अपने मुझे कहा है कि ये चीज होने वाली है और ये चीज करने पे ये चीज होएगी, और वो उस टाइम पे हुई, बट मैं आपकी रेमेडी यूज करने के बाद मुझे उसमें होती हर चीज है, बिल्कुल बट एक होता है इफेक्ट पड़ना, उसका इफेक्ट इतना जीरो हो गया कि उसका इफेक्ट इफेक्ट नहीं रहा। ये बिल्कुल। बेनिफिट मुझे रेमेडी से हुआ है आपकी। और मेरी बातें आपको सच साबित हुई और जो मैंने आपको बोला था वो घटनाएं घटी। हाँ जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी बातें 100% सच हुई, वो उस टाइम पे आई भी, बट जो आपने रेमेडी मुझे बताया गया, मैं ये नहीं कहता कि 0% बंदा पूरा रिड्यूस हो जाती है हर चीज, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल क्योंकि 0% नहीं होती है, हाँ बट जहां बंदे को इफेक्ट 100% पड़ना था, वहां अगर 30-40 पड़ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चीज वहां रिड्यूस बिल्कुल हो जाती है। मतलब बंदे को पता नहीं चलता है कि हाँ कि ये रिड्यूस हुई भी है, मतलब आई भी है घटना, नहीं आई भी है, कि बंदे को सेटलमेंट ही ऐसे हो जाती है कि बड़े आराम से निकल जाती है वो सिचुएशन। और बेनिफिट ये मिल जाता है जब फ्यूचर का पता हो कि ऐसा होने वाला है, तो बंदा थोड़ा सा अपना खुद ध्यान में रखते चलता है कि ये चीज होने वाली है और कुछ टाइम पे होएगी तो मुझे ये चीज करनी है, तो वो बंदा वो उस हिसाब से चलती है। जब आपको मेरे पास आने से आपके मन को शांति, आपके मन की बातें पूरी हुई, तो आपने और अपने लोगों को भी जोड़ना चाहा होगा। हाँ जी बिल्कुल सही। स्टार्टिंग में हम जैसे यंग जनरेशन होती है, एक्चुअली हम विश्वास नहीं करते हर चीज पे, बिल्कुल जब तक बिल्कुल हमारे साथ वो चीज सिचुएशन नहीं आती है और हम उसका
देखते नहीं है कि यार हाँ पंडित जी ने वो बोला था, ये सिचुएशन हुई है। सबसे पहले मुझे मिलाने का जो माध्यम था वो मेरा फ्रेंड था, बिल्कुल उसने मुझे मिलाया आपके साथ। अब सही बात बोलूं तो जो जो व्यक्ति मुझे अभी ऐसे लगता है कि वो प्रॉब्लम में फंस रहा है और मुझे लगता है कि हाँ यार ये चीज को पंडित जी की जरूरत है उस बंदे को, तो मैंने हर बंदे को, ऐसा कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो उनको मैंने रेफरेंस नहीं दिया हो और वो पंडित जी के पास नहीं आया हो। और इवन तक कि मैंने ये भी देखा है कि जो मैंने जिसका रेफरेंस दिया उन्होंने भी आगे 10-10 बंदों को रेफरेंस दिया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आप सेटिस्फाई थे मेरे पास आके और आपके मन की सारी इच्छाओं की पूर्ति भी हुई है पंडित जी। तो चलो मैं इसी बात के लिए मैं आपको फिर दोबारा से अपने रेमेडी के ऊपर आऊंगा कि जो भी मैं देता हूँ कारगर साबित हुई है तो आप इसी तरह से करते रहे और लाइफ में जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। और आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।